तो एक और बात है, इस ट्रैक में इतने सारे बंदे चले होते हैं, सारे यात्री चले होते हैं, और हर जगह मतलब भोलेनाथ का नाम, तो कुछ एनर्जी मिलती है रास्ते में चलने का, एक दूसरे को देख के सहारा मिलता है कि भाई भाई चला है तो मैं भी चलूँगा। तो ऐसा करते हुए महादेव की नगरी में पहुँचने को थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बाकी मैं रास्ता आपको दिखा दूँ, बिल्कुल पूरा धुंध है, कोहरा। जय शंकर, जय बोले, जय बोले, जय शंभू, जय शंभू, जय शंकर। तो रास्ता देख सकते हैं, तो है YouTube, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग जय शंकर महादेव। तो अभी 6 बजने को आ रहा है और एक घंटा हम पैदल चले, तो अभी अभी मतलब ब्राइटनेस थोड़ा उजाला जैसा हुआ, तो निकलते आगे की ओर। जय शंकर महादेव। तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा, तो देख सकते हैं आप भक्तजन काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे आपका सामना सीधी खड़ी चढ़ाई से होने वाली है, और डर बना ये रहता है कि मौसम कभी भी आपके ऊपर बरस सकता है। तो अभी हम पार्वती बाग में हैं, तो टाइम अभी 5:30 हो गया हुआ है। हम लोग भीम द्वार से 4:30 बजे निकले थे, तो यहाँ तक पहुँचने को हमको पूरा 1 घंटा लग गया, तो मौसम अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो निकलते हैं यहाँ से, देखते आगे का कैसा ट्रैक होता है। तो गाइस देख पा रहे हैं आप, इसीलिए इसे सबसे कठिन यात्रा भी कहा जाता है। सो गाइस अभी धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो मैं आपको नैन सरोवर के दर्शन करवाता हूँ। और भीमद्वार से नैन सरोवर आने का 2 घंटे का रास्ता था, तो काफ़ी भक्तजन पहुँच गए। सुबह का नज़ारा 6:20 का दृश्य। जय भोले, जय शंकर, जय महादेव। तो अभी मैं नैन सरोवर पहुँच गया हूँ, तो यहाँ पे धूप जला लेते और उसके बाद चलते हैं ऊपर की ओर। जय शंकर महादेव। तो अभी हम नैन सरोवर में हैं, ये नज़ारा नैन सरोवर का है। तो नैन सरोवर में कहा जाता है कि माता को किसी बात का दुख हो गया था, तो ये माता के नैन से निकले हुआ सरोवर है। तो यहाँ पे जय शंकर धूप जलाएंगे और माता को माथा टेक के श्रीखंड यात्रा स्टार्ट होगा। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। इसके बाद कुछ 3 किलोमीटर के बाद श्रीखंड महादेव के दर्शन होने वाले हैं, तो यहाँ से निकलते हैं ऊपर की ओर। तो गाइस श्रीखंड महादेव पहुंचने से पहले उसके कुछ ही नीचे भीम द्वारा फेंके गए पत्थरों के दर्शन होंगे आपको। तो गाइस ये नज़ारा भीम भाई द्वारा फेंके गए पत्थरों के, ये भीम द्वार से स्वर्ग जाने के लिए उन्होंने ये पत्थर फेंके हुए थे, तो ये नज़ारा भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब हम थोड़ी देर में 18,570 फीट की ऊंचाई में पहुंच जाएंगे और श्रीखंड महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। तो मैं आपको श्रीखंड महादेव के दर्शन भी, इस हाइट में काफ़ी भक्त इंजर्ड भी हो जाते हैं, एंड गाइस कई लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टफ यात्रा। दर्शन होने वाले तो बहुत सारे बंदे अभी चले हुए, चलो।
जी पहुंच गए श्रीखंड महादेव। ले बोले, जय बोले, जय शंकर, जय शंकर, जय बोलो श्रीखंड महादेव की। सो गाइज, हमारे दर्शन हो गए 8:30 बजे। तो अभी हम 18,000 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर उतर रहे हैं, और मैं आपको रास्ता इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग YouTube में वीडियो देख के श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो गाइज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रास्ता काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो आपको पूरी पैकिंग के साथ आना पड़ेगा, और जब सरकारी यात्रा स्टार्ट होता है उस टाइम आना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल वगैरह सब कुछ उस टाइम यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा आपको। अदरवाइज़ अपने ऊपर रिस्क लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेस्क्यू उस टाइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब यात्रा होगा उसी टाइम रेस्क्यू चलेगा यहाँ पे। तो बहुत से लोग यहाँ पे अपने जान से हाथ भी धो बैठते हैं। तो गाइज़, मैं आपको डरा नहीं रहा, अगर आप भोले के दरबार में सच्चे मन से आओगे तो आप ज़रूर पहुँच जाओगे। और गाइज, जब यात्री नीचे से ऊपर को आ रहे होते तो उनको हौसला दे, सहारा दे, और जो भी आपके पास बचा हुआ एनर्जी का चीज़ है तो यात्रियों को, जाने वाले को, उन्हें ग्लूकोज वगैरह दें, क्योंकि उन्हें चढ़ाई चढ़ने में परेशानी ना हो इसलिए। अभी हम यहाँ नैन सरोवर में रुके हुए, तो एक बार पूरा नैन सरोवर का परिक्रमा करना है। मुझे यहाँ आते हुए 6 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी भी यहाँ का परिक्रमा पूरा नहीं किया है। तो अभी परिक्रमा करते हैं एक बार पूरा नैन सरोवर का। तो अभी पूरा परिक्रमा करना है नैन सरोवर का। तो जय भोले, अभी देख सकते हैं आप पानी में चले हुए हैं। जय भोले, करंट करंट, जय भोले करंट करंट, जय भोले करंट करंट, जय भोले, जय भोले भाई, फुल फुल ऑन नैन सरोवर सा। जय भोले, जय भोले, जय भोले, नैन सरोवर में स्नान करते हुए, फ्रेश हो गया पूरा। सो ये नज़ारा पार्वती बाग का, यहाँ से ऊपर आपको टेंट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से शायद से तीन किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर के लिए। तो ऊपर आपको दर्शन करके फिर दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा। तो जो नीचे को दिख रहा है वो भीम द्वार है, और यहाँ पे पार्वती बाग, यहाँ से ऊपर को आपको टेंट वगैरह नहीं मिलेंगे। लोगों का मानना है, तो मैं आपको वो झरना दिखाता हूँ जहाँ पे कि माता स्नान करते थे। तो गाइज, इस झरने को पार्वती झरना भी कहा जाता है। तो यहाँ पे माता स्नान किया करते थे। रास्ते में कुछ ऐसे भी पड़ाव आएंगे जिन्हें आपको पार करना होगा। तो हम आज थाचुड़ू में स्टे करने वाले हैं, और कल को सीधा अपने अपने घर। तो भी हमारी वापसी हो गई है, श्रीखंड महादेव के दर्शन हो गए हैं। तो अभी मैं यात्रा से वापस जा रहा हूँ, एंड गाइज थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, तो सारे बंदे चले गए। तो गाइज, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।